वहीं सुपेला थाना पुलिस ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार बरामद कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एएसपी संजय ध्रुव के निर्देश पर सुपेला थाना पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 जुलाई को चाकूबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार हुए दुर्गेश मांडले एवं सुभाष वर्मा को घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपियों द्वारा जितेंद्र साव को पुरानी रंजिश के कारण पीठ में चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। गिरफ्तार आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं, जिन पर सुपेला पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही थी। टीआई दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सुपेला पुलिस द्वारा आरोपियों को योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया। इसी तरह पुलिस को आदतन चाकूबाज भोला गायकवाड़ को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।